यहाँ सुबह का नाश्ता हमारा बन चुका है। मैंने बनाया था पोहा और सबको निकाल के दे रही हूँ, क्योंकि इन्हें आज जल्दी जाना था तो नाश्ता करके निकल जाएंगे, फिर दोपहर में आएंगे तब खाना खाएंगे। ये देखिए तो उसी सबको देने जा रही है पोहा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और सुबह का बज गया 11, अभी आज दिन है सैटरडे है, सैटरडे है। कल का ब्लॉग ज़रा खास कुछ बन नहीं पाया, जो भी था मैंने डाला है, अभी मिल जाएगा आप लोगों को। और सुबह का नाश्ता पानी हो चुका था, इनको आज जल्दी जाना था तो पोहा बनाया था जल्दी जल्दी में। पोहा सब लोग खा चुके थे तो खाना फिर लेट में बनेगा, देखिए क्या बनाते हैं। वैसे मेरे दिमाग में चल रहा है मैं बेसन की सब्जी बनाऊंगी, मिंजनी वाली जो होती है वो सब्जी बनाऊंगी, सब्जी चावल रोटी बनाऊंगी। और आज एक माधव के लिए ड्रेस बनानी है, देखते हैं क्या क्या हो पाता है, जो होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और कैसे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बहुत गर्मी हो रही है, बेइंतहा गर्मी हो रही है आजकल। गर्मी दो दिनों से इतनी ज़्यादा है कि पूछो ना, जितनी बारिश होती है ना उतनी ज़्यादा गर्मी होने लगती है। आज धूप भी बहुत कड़ाके की है एकदम, मैं फिर भी चलिए नाश्ता वगैरह हो चुका है, जो चिकल फुटो काम पड़े चिपकू चिपकू वाले उनको ख़त्म करते हैं, फिर करते हैं खाने की तैयारी, फिर आपसे मिलते हैं। ये हमने बेसन लिया है और इसको अच्छे से छान लिया है, ये करीब एक कटोरी बेसन लिया है। अब इसमें हल्के से हाथ से ऐसे छींटे मारते जाएंगे, इसको अच्छे से करते जाएंगे। पानी इसमें ऐसे छींटे छींटे में डालना है, एक साथ नहीं डालना है, छींटे छींटे करते हुए पानी डालना है। तो बन जाएगा तो दिखाएंगे। मुझे उंगलियों से ही बनानी है इनको, ऐसे ऐसे करते हुए गोल गोल अपने आप अच्छी अच्छी बन जाती है, छोटी छोटी, देखिए इस तरीके से बना देंगे। देखिए हमारी ये बन चुकी है, देखिए एकदम खिले खिले, एकदम ऐसे बनानी है, सूखे सूखे छीटे छीटे डाल के बनाते जाएंगे आराम से। अब इनको करीब 20-25 मिनट के लिए से पंखे में रख के छोड़ देंगे। चलिए इनको करवाते हैं रेस्ट, तब तक करेंगे हम और तैयारी, इनको ऐसे रख देते हैं जब तक वो हमारा रेस्ट कर रहा है। क्या नाम, बेसन की जो मिजनी मैंने बना के रखी है, जब तक वो रेस्ट करेंगी तब तक हम साफ कर रहे हैं अपने चावल। चावल को साफ कर, ये हमारी गई है भून, इनको भूनने में करीब 5-7 मिनट लगा है। देखिए इनका कलर एकदम चेंज हो गया है, इनको हम निकाल लेंगे। चलिए मेरे को निकाल, अब इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे दोबारा से तेल। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा क्या बना ली, और थोड़ी सी हींग जीरा डालने के बाद जो हमने घोल बना के रखा था मसाले का वो डाल देंगे। मसाला हमारा भुन चुका है, अब डाल देंगे इसमें मिजनी, हमने मिजनी बना के रखी थी डाल दी है, और इसको मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे।
अकॉर्डिंग डालिएगा आपको। अब इनको मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। इतनी गर्मी है ना, पंखे के चक्कर में सब तखत पे जाते हैं बैठ बैठ के। सही रहता है, पंखा चलता रहता है तो आराम से काम होता है। सब्जी काटती हूँ, चावल साफ करना, कुछ भी करना हो ना तो हम लोग यहीं करते हैं। और ये देखो अपना आटा मुक्के चला रही है उस पे, आटे पे ताकत और दिखाओ थोड़ी, इसमें बड़े गुस्से में सामने रही हो। सब्जी हमारी बन गई है, चलिए इसको निकाल के रख लेते हैं क्योंकि अभी रखने से थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। हरी धनिया डाल दें, मेरे पास हरी धनिया थी नहीं तो मैंने डाली नहीं, आज कोई सब्जी वाला नहीं आया अभी तो हरी धनिया नहीं थी। चलिए आप लोग भी बनाइएगा और बताइएगा कैसी बनी। सब्जी हमारी बन चुकी है, चावल के साथ बड़ी अच्छी लगती है, मिहनी सब्जी हम लोग बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? देखो खाना खाने के बाद सब के सब लुढ़क गए, देखो कितने अच्छे से, एक इधर पड़ा एक उधर पड़ी। चलिए इनको चाहिए पानी तो इनको लाके देते हैं पानी, ऊपर तो जाएंगे नहीं, नीचे से लेके। चलिए भैया देते पानी। तुम्हारे फ्रिज से पानी ले जा रहे हैं? ले जाएंगे क्योंकि ऊपर जाने का मन नहीं है, पानी नीचे ही दिए दे रहे हैं। ये रहा हमारा पानी, मन नहीं था जाने का, पियो पानी। लो पानी, देखो बादल, भयंकर बादल आ गए, भयंकर। ऐसा हो चुका हूँ, चाय पी चुका हूँ, मौसम दोबारा से बहुत अच्छा हो चुका है। सुबह से धूप थी, आज मेरी मम्मी ने हमारी फेवरेट सब्जी बनाई थी, वो बढ़िया बनी हुई थी।
सही में सब्जी मैंने मम्मी के लिए सिर्फ इतनी सी बचाई सब्जी बनाई मम्मी को सिर्फ इतनी सी बचाई क्योंकि हमको ज्यादा पसंद आई। हम जब तक आए थे बाहर तक से खाना खा चुके थे। हम भी खा भी आगे तुम्हारे जा रही हैं छोड़ छाड़ के बुला दी केवल मत्था मत्था दिखता है इतना बड़ा वो है इतना बड़ा इनका सब सड़िया मम्मी है ऐसा लगता है कि हम मम्मी मम्मी ये रखो ये जा रही है नानी के घर क्योंकि नानी के जा रही है मामा आए दीवाने इनसे क्या बहुत मन था क्योंकि मैं वो आया था तब ये चाहती थी ये भी है तो मामा आए सब लेके जा रहे मौसम बहुत बढ़िया है मजा आ रही है हाँ फाइनली जा रहे हैं मामा भी और वो तो जो पागल थी जाने के लिए आज वो जा रही हैं तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये जा रही हैं ऐसा मम्मी वही नीचे तो छोड़ा इनको गांव से छोड़ा इनसे खुश है तो आज मैं आपको लाइव का फेस देते हुए यहाँ से एक ब्लॉगर अपने घर जा रही है नानी के घर जा रही है उस कमरे को मत देखो ये मम्मी अब किचन साफ करके पूरे घर में झाड़ू लगा रही हैं देख रही हैं दिन में पहले लगाती हूँ फिर शाम को लगाती हूँ इतनी गंदगी हो जाती है और क्या पर हम लोग क्या हम लोग कभी भी रूम में चप्पल पहन नहीं आते बाहर ही रहते हैं ज़रा सही रहता है बहुत सारा मैं सब बैठ जाता हूँ चलिए अभी झाड़ू लगा के अभी आपको पहना के दिखाती हूँ कैसा बनाया बताइएगा भीड़ वाला बनाया है ये पगड़ी कहाँ रखी है तो बैठ नहीं पाते हैं देखिए कैसी बनी है माधव की ड्रेस हमारे मैचिंग मैचिंग हो गई बहुत अच्छा लग रहा है बताइएगा कैसा बना है इनको हाथ में देख के मैंने वीडियो बनाया था क्योंकि ऐसे सही से आ नहीं रहा था इसमें कलर भी इतना क्लियर नहीं आ रहा है बट ऐसे बहुत अच्छी लग रही है बन गई मेरी माधव की ड्रेस दीदी जी जा चुकी हैं मम्मी ने माधव के लिए एक ड्रेस बनाई है ड्रेस बनाई है मैं ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ज़्यादा अच्छा वहाँ पे लगता है इस समय में वरना मैं ट्यूशन पढ़ रहा था
एक्चुअली आज सर सुबह आ गए थे, एक से दो, एक से दो आ गए थे, सुबह पढ़ लिया, दोपहर में सो गया था ना, ये समय होता ही था। यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा, जो देखो इस टाइम पे पतंग उड़ रही, मेरा भी मन है उड़ाने का, पर नहीं उड़ा सकते। मुझे याद आ गया, पूरा ग्रीनरी है। सुबह उठ के मम्मी ऊपर आए नहीं, मम्मी बुलाने लगी, जस्ट अभी जस्ट आया हूँ, कितने 20 सेकंड पहले आया हूँ। अरे बता दिया, जब जाएंगे तब जाएंगे। बहुत बढ़िया हवा चली, बहुत बढ़िया, भी ज्यादा हवा। सब्सक्राइब कर दीजिए, 37% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर सकता, 74% लोगों ने कर रखा है, पर 37% लोग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे भैया, ऐसी वीडियो देख के चले जाते हूँ, कर लो, रोज नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे वीडियो पड़ेगा या लाइव है तो नोटिफिकेशन आ जाएगी कि लाइव गए हैं। एक्चुअली इसके जैसे आना पड़ता है, ऊपर बंद हो गई अब तो, कब ऊपर आओ मेरे साथ। चलो अब नीचे रात में मैं कहा करें, दीदी भी नहीं है, कुछ खेलने के लिए नहीं, पतंग भी नहीं उड़ा रहे हैं क्योंकि पतंग हमारी फट चुकी है, तो हम उसको नहीं उड़ा सकते, पूरी बीच से अलग हो गई है, उड़ाते उड़ाते हवा में वो पता नहीं कैसे गई काम से। बाकी वो देखिए जरा दिख रहा है कि नहीं, कैसे वो क्लाउड कैसा शेप बना रहे। अगर अब मैं अपनी आँख से देख रहा हूँ, डेंजरस लग रहा है, ऐसा लग रहा है रात में खत्म, बाय बाय गया सब हो गया, ऐसा फीचर। हाँ, दीदी नहीं है, कह दिया जाओ पर लगी नहीं रहा, वरना वो कैमरा पकड़ मैं इतना भाग करता। जब से दीदी गई हम तब से टीवी ही देख रहे थे, थोड़ी देर पहले बस ट्यूशन का थोड़ा सा काम किया, क्योंकि कल संडे है, कुछ नहीं किया अभी, बस संडे एंजॉय करने के बाद करेंगे। हाँ